स्टेप वन, आपके पास वॉल मौजूद होना चाहिए। स्टेप टू, वुकोंग बनो। स्टेप थ्री, आपके दोस्त को आपको स्पेक्टेट करने बोलो और देखो जिलवा। देखो बेटू, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि ये सारे जो मिथ्स मैंने आज किए हैं ये सारे अपडेट के बाद वाले हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मैं आ चुका, वुकोंग बन चुका और अपने दोस्त मेरे को अभी स्पेक्टेट कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं मेरे पे क्या चेंज आता है। अब देखो यार, ये तो नॉर्मल सी बात है, वुकोंग बनने के बाद अपन एक झाड़ी बन जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा डिट्टो सेम। अब इसमें चेंज क्या है मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलो अपने दोस्त को क्या दिखाई दे रहा है वो देखते हैं। अइला जादू, मैजिक बोलते। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि झाड़ी एक वॉल को पकड़ के भाग रहा है, जो कि नॉर्मल किसी को नहीं दिखता, सिर्फ जो आपको देखते हैं उन लोगों को दिखता है और आपके फ्रेंड लोगों को दिखता है। एंड हिंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। स्टेप वन, सोशल जोन के फेरिस व्हील पे जाओ। स्टेप टू, उसके पास एक छोटा सा तालाब होगा, वहां पे जाओ और उसके पास एक यूएवी होगा। यूएवी होगा, ये मेरे को थोड़ा जच नहीं रहा है। यहाँ पे देखो, अपन आ चुके हैं ये व्हील के पास, इसके पास एक छोटा सा तालाब है और यूएवी कहाँ पर है? अरे उस साइड एक छोटा सा कुछ दिख रहा है, शायद से वो एक यूएवी है। तो चलो तालाब के उस तरफ चलते हैं और तब पता चलेगा। अरे हाँ यार, ये तो एक यूएवी है और देखते हैं इसके पास जाके क्या सच में अपन ये यूएवी से कुछ कर पाते हैं। अरे इसमें एक स्नैपशॉट का फीचर है जिसपे आप अपने आप को देख सकते हो, और वो भी 3D व्यू से, या बोल सकते हो कि ड्रोन व्यू से आप अपने आप को देख सकते हो। तो हाँ बेटो, तुम्हारा बात तो बिल्कुल 101% सच है। एंड हिंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। क्लैश कॉर्ड पे जाओ, अपने दोस्त को बोलोगे एक पुशअप इमोट करे, उसके ऊपर से जंप करो, फिर देखो मैजिक। अच्छा, इस पे भी मैजिक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर मैं आ चुका क्लैश कॉर्ड पर और मेरा दोस्त अभी यहाँ पे एक उंगली वाला पुशअप इमोट कर रहा है, तो चलो उसके ऊपर जंप करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब जितना देर मैं उसके ऊपर खड़ा हुआ, मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ कि कुछ चेंज हो रहा है, बट चलो एक और बार जंप करते हैं उसके ऊपर से और फिर देखते हैं क्या होता है। अब उस बंदे के ऊपर आसपास में 10 से 20 बार जंप कर चुका और मुझे वो ऐसा कुछ चेंज नहीं दिख रहा है। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो नीचे मुझे कमेंट पर जरूर से बताना। एंड हिंस द मिथ इज बस्टेड। आप वॉल को यूज कर सकते हो जिस टाइम वुकोंग का कैरेक्टर एबिलिटी यूज हुआ होगा। अच्छा, ऐसा होता है। चलो पहले तो यहां पर से अपन वॉल बाय कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अरे हाँ यार, ऐसे तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और यहाँ पर पॉसिबल हो रहा है। देखो, जब आप बुश बने हो उस टाइम आप सेफ्टी के लिए वहां पर वॉल भी यूज कर सकते हो और आपके बुश को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसा ही रहेगा। एंड हिंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। क्लासिक मैप पे बैकपैक फिल हो सकता है, पर क्लैश कॉर्ड पे बैकपैक फिल ही नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा होता है क्या? चलो यहाँ पर मैं और मेरे दोस्त आए हैं क्लैश कॉर्ड पर और उसके बैग पे जितने भी सारे सामान है मैं अपने बैग पे घुसाने वाला हूँ और देखते हैं कि क्या मेरा बैकपैक फिल होता है कि नहीं। अब अगर एक चीज गौर से देखा जाए तो क्लैश कॉर्ड पे अपने पास बैग ही नहीं होता है और यहाँ पर मैं अपने बैकपैक पे जितने सारे सामान थे उसके अंदर अपने दोस्त के सारे सामान घुसेड़ चुका हूँ, पर फिर भी अपना बैकपैक को कुछ नहीं हुआ। तो चलो इसके नेक्स्ट लेवल को चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अरे ये वाले राउंड पर भी सारी चीजें अपने बैकपैक के अंदर घुस तो चुके हैं, बट अपने बैकपैक को और भी चीजें चाहिए। इसका मतलब हाँ भाई, तुम्हारा बात तो बिल्कुल 100% सच है, बैकपैक क्लैश कॉर्ड पे कभी फिल नहीं हो सकता। एंड हिंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। आप कैरेक्टर पे जाके रफेल कैरेक्टर को इक्विप करो और ट्रेनिंग ग्राउंड पे आने के बाद M187 को ले लो और देखो रफेल की स्किल को ऑन करने के बाद M187 पे मैजिक होता है। अच्छा ओके, चलो यहाँ पर मैं ले चुका रफेल, आ चुका ट्रेनिंग ग्राउंड पे, ले चुका M1887 और देखते हैं इसके आवाज में क्या मैजिक होता है। अब भाई ने जो चीज बोला है शायद से वो चीज अपडेट के पहले काम कर रहा हो, बट हाँ अपडेट के बाद रफेल का स्किल चेंज हो चुका है पैसिव स्किल पर। और हाँ, इसका जो स्किल है ये है स्नाइपर्स और ड्रैगन ऑफ उडपेकर एंड एसकेएस पर। तो इन सारी चीजों को लेकर चलते हैं बैटल जोन पर और वहां पे जाके देखते हैं कि सच में ऐसा कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद से मैं इन गन पे साइलेंसर लगाया हूँ, बट नहीं, ये सारा कुछ चीज रफेल का है। और हाँ, रफेल M187 पर कुछ भी चेंज नहीं दिखाया। एंड हिंस द मिथ इज बस्टेड। अपडेट के बाद वुकोंग की एबिलिटी ऑन करके स्कोप इन कर सकते हैं।
देख लिए, अब जरूरत नहीं कुछ बताने का। उघों का एबिलिटी ऑन करने के बाद अपन स्कोप इन कर सकते हैं और इजीली एनिमी को ट्रेस करके उसे मार सकते हैं। और हाँ, ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो लोग यूज करने वाले हैं स्नाइपर्स। एंड हिंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। शैडो शूटर को सब्सक्राइब करो वरना ऑनलाइन के एग्जाम्स ऑफलाइन देने पड़ेंगे। अब देखो, आप लोग ही चुन लो आप लोगों को कौन सा इजी लग रहा है। अगर ऑनलाइन के एग्जाम्स आपको ऑफलाइन में देना पसंद है तो सब्सक्राइब मत करो। नहीं नहीं, तब भी करो। और हाँ, अब भी करो, अभी के अभी करो। और हाँ देखो, मैं मिलता हूँ एक और नए ताजे एंड फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।